हाउ टू फिक्स आईफोन स्टक ऑन iOS 17 अपडेट प्रेपरिंग अपडेट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी चेक कर सकते हैं, करंटली iOS 16 को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी आप यदि iOS 17 को इंस्टॉल करेंगे, डैट इज़ प्रेपरिंग अपडेट। तो इवन मुझे काफ़ी कॉमेंट आते हैं कि मेरे पास एक गुड कंडीशन का वाईफाई कनेक्शन है या फिर कह लें कि मोबाइल डेटा है, बट फिर भी प्रेपरिंग अपडेट पर जाके मेरा आईफोन स्टक हो जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड दैट हाउ वी कैन फिक्स। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन बता रहा हूँ जिनको आप अप्लाई कर लें बिफोर अपडेट द iOS 17। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे यदि आप मोबाइल डेटा या वाईफाई कोई सा भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, जस्ट फॉर 5 सेकंड के लिए आप जैसे अपडेट करने जाते हैं, अपडेट से पहले आपको यहाँ पे इस तरीके से एक बार फ्लाइट मोड को टर्न ऑन कर लें। जी हाँ दोस्तों, आपको कर लेना है, ये अपडेट से पहले अप्लाई करना है। यदि आपका स्टक हो चुका है तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊं। यदि आपका आईफोन करंटली प्रेपरिंग अपडेट पे जाके स्टक हो चुका है तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊं। राइट नाउ गाइस, आई विल गिव यू एग्जांपल एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। यू हैव टू फर्स्टली अप्लाई दिस मेथड बिफोर अपडेट योर आईफोन, देन इफ इट इज ऑलरेडी स्टक योर आईफोन ऑन द iOS 17 प्रेपरिंग अपडेट, देन यू अप्लाई दैट सेकंड अनदर मेथड। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू सी बिफोर अपडेट योर आईफोन, सिंपली टर्न ऑन फ्लाइट मोड जस्ट फॉर 5 सेकंड, देन गो टू द सेटिंग्स एप्लीकेशन। आपको सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद जस्ट फॉर स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन द जर्नल, स्क्रॉल डाउन एंड फाइंड आउट द ट्रांसफर और रीसेट आईफोन। डोंट वरी, आई विल नॉट इरेज ऑल कंटेंट एंड वेट सेटिंग। तो आपको यहाँ पे इरेज पे क्लिक करना है, रीसेट पे, देन सिंपली टैप ऑन रीसेट नेटवर्क सेटिंग। आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग कर देना है यदि आपका मोबाइल डेटा या वाईफाई है, तो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बेटर हो जाएगी रीसेट करने से। तो आप ये कर दें, सो यू अप्लाई दिस। सेकेंड, गो बैक, आपको इस तरीके से बैक करना है, चेक आउट द आईफोन स्टोरेज, जनरल पे जाएं, यहाँ पे चेक आउट कर लें आईफोन। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपके आईफोन में अपडेट से पहले जो है कितनी अवेलेबल स्टोरेज है। एटलीस्ट आपको अपने आईफोन में 5 to 8 GB स्टोरेज खाली ही रखनी है अपडेट से पहले। जी हाँ दोस्तों, एंड वैसे भी iOS 17 का जो अपडेट वर्जन है वो काफ़ी हाई होगा, यानी कि एटलीस्ट यहाँ पे 4 to 5 GB का अपडेट होने वाला है यदि आपने प्रीवियस अपडेट्स को डाउनलोड नहीं किया है, तो ये आप चेक कर लेना है। सो सेकंड गाइस, यू हैव टू चेक आउट एटलीस्ट मिनिमम कीप 5 to 8 GB स्टोरेज एम्प्टी टू योर आईफोन। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस तरीके से यदि आपके जो आईफोन में कोई भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा, तो मोबाइल डेटा है तो आप एक बार चेक कर लें कि आपके फ़ोन में एनएफ जो है MB डेटा होना चाहिए। यदि आप यहाँ पे 1.5 GB या फिर 2 GB पर डे वाला यूज़ करें प्लान, तो आप एटलीस्ट यहाँ पे किसी का हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लें, अदरवाइज आपका जो यहाँ पे स्टक हो सकता है। तो बेस्ट रहेगा कि आप अपने आईफोन को वाईफाई पे ही अपडेट करें। ओके, सेलेक्ट ओनली वाईफाई नेटवर्क टू अपडेट योर आईफोन। फाइनल है कि आपको यहाँ पे इस तरीके से, मैं आपको सेटिंग्स पे लेके जाता हूँ। सेटिंग्स पे जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं, ऐसे जो है आप जब अपडेट कर रहे होते तो वैसे आपका आईफोन जो हीट होगा, तो आप ये चीज़ जो है रिमूव कर दें, रिमूव द केसेस वाइल अपडेटिंग योर आईफोन। फाइनल आपको दोस्तों ये अप्लाई करना है कि यदि आपका आईफोन ऑलरेडी स्टक हो चुका है प्रेपरिंग अपडेट पे, या फिर आप अपडेट करने जा रहे हैं, तो आप अपने आईफोन को फोर्स रिस्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन रीस्टार्ट योर आईफोन लाइक फोर्स रीस्टार्ट, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, देन प्रेस एंड होल्ड डाउन दिस बटन एंड नाउ यू हैव टू स्वाइप दिस। तो यदि आपका आईफोन ऑलरेडी स्टक हो चुका था तो आप ये कर सकते हैं। वैसे भी आपको अपने आईफोन को एक बार फोर्स रीस्टार्ट कर लेना है, उसके बाद जैसे ही आप जाएंगे तो ये प्रॉब्लम हट जाएगी, उसके बाद आप अपडेट पे लगाएं। एंड यदि ऑलरेडी प्रेपरिंग पे जाके स्टक हो चुका था, तब भी आप यही प्रोसेस को अप्लाई करके अपने आईफोन को फोर्स रीस्टार्ट कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। सो इफ़ योर आईफोन ऑलरेडी स्टक ऑन द प्रेपरिंग अपडेट, देन यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड दैट यू हैव टू फोर्स रीस्टार्ट योर आईफोन, देन इट विल फिक्स दिस प्रॉब्लम। सो दिस इज सिंपल फिक्स दैट यू कैन फिक्स दिस टाइप ऑफ इशू लाइक प्रेपरिंग अपडेट टू योर आईफोन वाइल अपडेटिंग iOS 17। तो इस तरीके से आपको दोस्तों यहाँ पे इस चीज को फॉलो करना है यदि आपका आईफोन स्टक हो जाता है। चलो गाइस, आज की इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।